जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको पेपर करा रहा हूँ, इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी 41 क्वेश्चन गई थी और यह पेपर आपका दानापुर जडारो में पूछा हुआ था। एक बात हमेशा याद रखना, जो एक जडारो में क्वेश्चन आता है दूसरे जडारो में बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट भी करते चलिएगा। और लास्ट में ये आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपको सॉल्व कराते हैं दानापुर जडारो में आया हुआ प्रश्न। और जो हमारा पहला सेक्शन इसका आपका आता है ना बायोलॉजी का आता है, और टोटल जो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, और टोटल नंबरों की बात कर लें 60 नंबर की आपके यहाँ पे बायोलॉजी आती है। मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जो ऑप्शन दिए गए वो ध्यान से देखिएगा। टोटल आपको टारगेट ये लेके चलना है कि हमें 41 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने ही हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि आसजित श्लेष्मशारी पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से होता है, और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए। पहला ऑप्शन हमारा है मंड का पाचन होता है, दूसरा है जीवाणुओं का नाश होता है, तीसरा क्या है श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, और चौथा ऑप्शन हमारा विषाणु संक्रमण पर रोक लगती है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यानी श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन नोट करते चलना आपका कौन सा राइट हो रहा है कौन सा रॉन्ग हो रहा है। और मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना क्योंकि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर दो, इसमें पूछा जा रहा है किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया का किण्वन कहते हैं, और चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला है उत्प्रेरक, दूसरा है हमारा प्रकीर्ण, तीसरा है कार्य ऋणायन, और चौथा है क्या मुक्त मूलक। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यानी प्रकीर्ण, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। काउंट कर लेना बाद में कितना क्वेश्चन आपका राइट हो रहा है कितना रॉन्ग हो रहा है। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, और चार ऑप्शन क्या है। पहला है अगला भाग, दूसरा है किनारों में, तीसरा है मध्य भाग, और चौथा क्या है पिछला भाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यानी पिछला भाग हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चार नंबर, इसमें पूछा गया था कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्ण बदलता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा इन्वर्टेज, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है जाइमेज, और चौथा क्या है डाइस्टेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यानी जाइमेज, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है पांच नंबर, इसमें पूछ रहा है कि किन मूल इकाइयों में मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं, और इसके चार ऑप्शन हो गए। पहला है तंत्रिका कोशिकाएं, दूसरा स्टेम कोशिकाएं, तीसरा है हृदय कोशिकाएं, और चौथा क्या है वृक्क कोशिकाएं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका भी नोट करना, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्टेम कोशिकाएं हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छह नंबर, इसमें पूछा गया है कि दूध को दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है, और चार ऑप्शन क्या है इसके। पहला हमारा माइक्रोबैक्टीरियम, दूसरा हमारा स्फाइलो कोशक, तीसरा हमारा लैक्टो बैसिलस, और चौथा क्या है खमीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी लैक्टो बैसिलस, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सात नंबर, इसमें पूछा गया प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, और चार ऑप्शन क्या है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, और तीसरा है पर्ण रहित, और चौथा क्या है वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो जल दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठ नंबर, इसमें पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है, और चार ऑप्शन क्या है इसके। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, और चौथा है हाइड्रोजन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है नौ नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्पेटिक्स में कितनी ऊर्जा होती है, और चार ऑप्शन क्या है इसके। पहला है 5 कैलोरी, दूसरा है 10 कैलोरी, तीसरा है 100 कैलोरी,
और चौथा है शून्य कैलोरी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यानी शून्य कैलोरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपका जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे देखने को आपको मिल जाएंगे। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 10 नंबर, इसमें पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, और 4 ऑप्शन क्या आते हैं, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है लोहा और चौथा क्या है नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 11 नंबर, इसमें पूछा गया कि एमेनियोसेंटिसिस किसकी विधि का नाम है, और 4 ऑप्शन क्या है इसका, पहला है गर्भ में स्वास्थ्य की दिशाओं का पता लगाने की, दूसरा है अमीनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की, तीसरा है गर्भपात प्रेरित करने की और चौथा क्या है कृत्रिम गर्भाधान की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी गर्भ में स्वास्थ्य की दशाओं को पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है चावल, दूसरा है सेब, तीसरा है दालें और चौथा है संतरा। यानी कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यानी दालें, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 13 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्रों में, दूसरा है प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, तीसरा है प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में और चौथा क्या है प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्रों में, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें पूछा गया है शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मांसपेशियां, दूसरा है तंत्रिकाएं, तीसरा है जीभ और चौथा क्या है हृदय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो हृदय वाला ऑप्शन दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों काउंट करते चलना यानी कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है कौन सा वीक है ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी आगे कर सकें। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला यक्ष्मा, दूसरा है पीलिया, तीसरा है डिप्थीरिया और चौथा क्या है विसूचिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए यानी यक्ष्मा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है केमिस्ट्री का, आता है केमिस्ट्री भी टोटल अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 नंबर की आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी IUPAC पद्धति के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्याख्या क्या है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला इन, दूसरा ओल्स, तीसरा एन और चौथा क्या ओन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओल्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है CaSO4 × 1/2 H2O, दूसरा है 2CaSO4 × 2 H2O, तीसरा है 2MgSO4 × H2O और चौथा क्या है 2MgSO4 × 7H2O। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए यानी CaSO4 × 1/2 H2O हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर, इसमें पूछा गया है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह रूपांतरित हो जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा है मैग्नीशियम पेरोक्साइड और तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक फोमाइट की पहचान कीजिए, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पेयजल, दूसरा है रक्त, तीसरा है लार और चौथा क्या है कांच।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यानी कांच हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, इसमें पूछा जा गया है कि कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइन्स की इलेक्ट्रॉनोरंग संकलन अभिक्रियाओं के रेडियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुपान के लिए किया जाता है। और इसके जो चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे थे, पहला है कार्नफोर्थ के नियम, दूसरा है बाल्डविन का नियम, तीसरा है हमारा बेडरेट का नियम और चौथा है क्या मार्कोनिको का नियम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है और चार ऑप्शन क्या है इसके दिए गए थे, पहला है BaO2, दूसरा है BaSO4 और तीसरा है BaO और चौथा क्या है Ba2O2। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर आप नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यानी Ba2O2, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी पेपर देने जाएंगे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, इसमें पूछा गया था कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक हुई चीजों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। और चार ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हीलियम और चौथा क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 41 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने हैं तो करने हैं। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, इसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हैलोजन, दूसरा हमारा एक्टिनाइड्स और तीसरा हमारा कैल्कोजोन और चौथा क्या लेथेनाइड्स। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है यानी हैलोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। और चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है सिल्वर नाइट्रेट और सल्फर, दूसरा है पोटेशियम सल्फेट और फॉस्फोरस, तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट और चारकोल और चौथा क्या है पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर और चारकोल। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यानी पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर और चारकोल, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, इसमें पूछा गया है कि बोरॉन की संयोजकता कितनी है और इसके ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, पहला ऑप्शन हो गया 3 और जो इसका तीसरा ऑप्शन हो गया वो 4 हो गया, दूसरा ऑप्शन हमारा 2 हो गया और चौथा ऑप्शन क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है, जो बोरॉन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर, इसमें पूछा गया है कि ट्राईक्लोरोमीथेन का IUPAC नाम क्या होता है और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है ग्लिसराल, दूसरा है क्लोरोफॉर्म, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर और चौथा है क्या बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यानी क्लोरोफॉर्म, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, इसमें पूछा गया कि परमाणु क्रमांक वाला कौन सा रासायनिक तत्व 31 है और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है गैलियम, दूसरा इंडियम, तीसरा है थैलियम और चौथा क्या एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी गैलियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है और चार ऑप्शन क्या है, पहला NO, दूसरा Na2O, तीसरा हमारा CO और चौथा क्या N2O। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यानी Na2O हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए, अभी सारे क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, इसमें पूछा गया है यौगिक जिसमें केवल दोहरे कार्बन कार्बन बंद होते हैं क्या कहलाते हैं। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है टर्पीन, दूसरा हमारा डाई एल्काइन, तीसरा हमारा डाइन और चौथा क्या है ट्राई एल्काइन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी कि
डाई ई इन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है, और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला सीजियम, दूसरा है रुबिडियम, और तीसरा हमारा फ्रेंसियम, और चौथा क्या है लिथियम। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी फ्रेंसियम, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है फिजिक्स का, जिसके टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 20 नंबर यानी फिजिक्स आपकी पूछी जाती है वहाँ पे। और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है यानी पानी का क्वथनांक क्या होता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है 210 फारेनहाइट, और दूसरा है 212 फारेनहाइट, तीसरा है 214 फारेनहाइट, और चौथा क्या 208 फारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यानी 212 फारेनहाइट, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है प्रसार, दूसरा है प्रतिबिंब, तीसरा है संवहन, और चौथा है विकिरण। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यानी प्रतिबिंब, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब भी पेपर देने जाएंगे वहां पर रिपीटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है थर्मल ऊर्जा का मापन, दूसरा है अणुओं की गति, तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, और चौथा क्या पदार्थों के डर्मोडायनेमिक गुण। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है यानी थर्मल ऊर्जा का मापन, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर, इसमें पूछा गया है कि क्रायोजेनिक को दर्शाता है, और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है कम तापमान, दूसरा है उच्च तापमान, तीसरा है कम दबाव, और चौथा है क्या उच्च दबाव। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है यानी कम तापमान, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 35 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, और चार ऑप्शन इसके हो गए, पहला है माइका, दूसरा है सिलिका, तीसरा है क्वार्ट्ज, और चौथा है सोडियम बोरेट। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यानी क्वार्ट्ज, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन आता है जीके का आता है, जीके के टोटल आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर की आपकी जीके आती है, और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया यानी माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है बछेंद्री पाल, दूसरा है कामी रीता शेरपा, और तीसरा है फातिमा, और चौथा है नागेश्वरी। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यानी कामी रीता शेरपा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि रेड डाटा बुक लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए कौन सी संस्था जारी करती है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला SUPE, और दूसरा हमारा ICNA, और तीसरा क्या है IUCN, और चौथा क्या है ILKA। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी IUCN, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 38 नंबर, इसमें पूछा गया था कि मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला RBI, दूसरा है भारत सरकार, तीसरा राज्य सरकार, और चौथा क्या है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी कि RBI, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक से द्वितीय फूड चेन में जो खाना लेते हैं उसमें कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 40%, दूसरा है हमारा 20%, तीसरा है 12%, और चौथा है क्या 10%। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यानी 10%, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर, इसमें पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, तो धनवंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है अथर्ववेद, दूसरा है आयुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, और चौथा क्या है यजुर्वेद।
तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यानी आयुर्वेद से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है राजीव गांधी, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा क्या, इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यानी अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 42 नंबर, इसमें पूछा गया था कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है गिगाहा, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चरम रोग और चौथा क्या है, फाइलेरिया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी यानी फाइलेरिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था, इसमें पूछा क्या गया था कि रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, और चार ऑप्शन इसके हो गए, पहला एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा यकृत, तीसरा है मस्तिष्क और चौथा क्या है, फेफड़े। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी एड्रिनल ग्रंथि हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर, इसमें पूछा गया कि अलग राज्य के गठन के लिए किस अनुसूची में बताया गया है, और इसके चार ऑप्शन क्या हो गए, पहला है अनुसूची दो, दूसरा हमारा अनुसूची पांच, तीसरा अनुसूची एक और चौथा क्या, अनुसूची 11 में। तो राइट आंसर नोट कर लेना वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी अनुसूची एक में। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर, इसमें पूछा गया कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, और चार ऑप्शन क्या है, पहला 1 दिसंबर 1963, दूसरा है 5 दिसंबर 1963 और तीसरा क्या है 6 दिसंबर 1963 और चौथा क्या है 12 दिसंबर 1963। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 1 दिसंबर 1963 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है, वो आता है मैथ का, यानी टोटल आपके मैथ के 5 क्वेश्चन पूछे थे, 20 नंबर की आपकी मैथ आती है, और जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपकी बेसिक भी मैथ सही है तो आप बड़ी आसानी से 5 क्वेश्चन वहाँ पे लगा लेंगे। और जो यहाँ पे हमारे मैथ के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें पूछा क्या जा रहा था कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, और बी और सी एक काम को 15 दिन में, और सी और ए एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों ए बी और सी एक साथ कितना समय लेंगे पूरा काम को करने के लिए, तो इसे कैसे लगाएंगे। यहाँ पे मान लेते पहले बोला ए और बी, यानी ए हो गया प्लस बी हो गया, ये समय ले रहे हैं 12 दिन का ले रहे हैं, और उसके बाद है बी और सी, यानी बी और सी कितना समय ले रहे हैं, वो समय ले रहे हैं 15 दिन का, और उसके बाद हो गया सी प्लस ए, ये कितना समय ले रहे हैं, ये समय ले रहे हैं 20 दिन का। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 60, और इसी 60 से तीनों का कर दो भाग, कितना आएगा यहाँ पे 12 भाग करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है अगर तीनों एक साथ काम करें पूरे काम को करने में कितना समय लेंगे, तो यहाँ पे जो आता है ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा काम हो जाता है, पूरा काम कितना हमारा 60, और तीनों माले मिलके कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सारे दो दो बार, यानी ए भी हमारा 2 बार आ रहा है, बी भी हमारा 2 बार आ रहा है, सी भी हमारा 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 A+B+C बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया यहाँ पे, और यहाँ से A+B+C यानी तीनों कितना हो जाएगा, यानी ABC कितना हो जाएगा, 2 से जहाँ भाग करेंगे कितना, 6 आ गए, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम एक दिन में कर रहे हैं, और कुल काम कितना है, 60 है, तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 60 से कर दो सिंपल सा भाग, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी निकल के आ जाएगा 10, यानी कि तीनों मिलके उस काम को करेंगे टोटल कितना समय लेंगे, वो 10 दिन का समय लेंगे, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 47 नंबर, इसमें पूछा गया है यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद का मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, तो मान लो मूलधन कितना दिया जा रहा है, 10 हो गया, और अनुपात यानी जो हमारा मिश्रधन वो कितना है, 12 है, यानी ये बताओगे 10 रुपये की वस्तु थी वो 12 रुपये हो गई, तो कितना का ब्याज मिल रहा है, 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और इसमें बताया कि यार वार्षिक ब्याज है, तो दर क्या निकालते हैं, सबसे पहले नीचे क्या लिखते हैं, मूलधन, मूलधन कितना हो गया 10, और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, यानी ब्याज हमें कितना, एक वर्ष का ब्याज क्या मिला है, 2 रुपये,
तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से कर दो गुणा, और जो कटे काट दो, 0 0 काट देंगे, और 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20%। यानी कितना में प्रॉफिट हो जाएगा, यानी दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 20%। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर, जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपकी बेसिक भी सही होगी 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से वहां पे लगा सकते हैं। 48 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 का हो जाए। तो मान लो पहले क्या हो गया, एक हो गया हमारा मिल्क, यानी कि 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, दूध और पानी का अनुपात, यानी हमारा मिल्क हो गया और वाटर हो गया, इनका अनुपात दिया क्या जा रहा है, दिया जा रहा है मिल्क का 5 हो गया और पानी का हो गया 1:1 हो गया। अब बता रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, मिला क्या रहे हैं, इसमें पानी मिला रहे हैं, कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात आपका 5:3 का अनुपात हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दूध मिला, ये दूध का जो हमारा रेशियो वो बराबर होना चाहिए, तो ऑलरेडी इसमें बराबर दिया ही गया है, लेकिन जो पानी है, पानी कितना बढ़ गया, पानी देख रहे हैं 1:3 हो गया, बढ़ा कितना, 2 बढ़ाए, और पहले कितना हमारा रेशियो था, यानी टोटल मात्रा कितनी थी हमारे पास 66 लीटर, और अनुपात में कितना है 5:1, तो यानी 5+1 यानी 6 बराबर पहले हमारे पास क्या दिया गया था, यानी 66 लीटर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हमारे हो जाएगा 11 लीटर। तो कितना बढ़ गया यहाँ पे, 2 बढ़ गया, अगर 1 बराबर 11 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 11 × 2 यानी कितना हो जाएगा 22। तो इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 22 लीटर पानी तब मिलाएंगे, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ कितना होगा। यहाँ भी मान लो 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य के मान लो कास्ट प्राइस, इसको सीपी लिख देते हैं, और 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, इसको लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। तो इसको पहले अनुपात निकालो, यहाँ पे क्या करो, एसपी अगर यहाँ पे ले आते हैं कितना हो गया, CP/SP बराबर कितना हो जाएगा, 10/15, जो कटे काट दो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ये कट जाता। अब पूछ क्या है, परसेंटेज लाभ क्या होगा, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य कितना 3 है, 2 रुपए की सामान हमने बनाई थी और उसे 3 रुपए में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और नीचे क्या लिखते हैं, उसका क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य कितना 2 हो गया, और परसेंटेज पूछ रहा है क्या करेंगे, 100 से कर दो गुणा, जो कटे काट दो, कितना आ जाएगा 50, तो कितना प्रॉफिट हमें हो जाएगा, 50%, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप केंद्र से 60 अंश का बनाया जाता है, चाप की लंबाई क्या होगी। देखो जैसे एक हो गया हमारा वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, यहाँ से एक 60, ये केंद्र बिंदु हो गया, और यहाँ से 60 अंश के कोण पे, ये हो गया हमारा कितना, 60 अंश का मान लो कोण हो गया। और इसमें पूछा जा रहा है एक चाप काटा जाता है, तो इसमें पूछ रहा है ये जो चाप की लंबाई है, इस चाप की लंबाई क्या होगी। अगर जो वृत्त होता है, वृत्त की यानी पूरे चाप की लंबाई क्या होती है, परिधि हो जाती है, परिधि कितना होता है, 2πr, परिधि क्या होती है, 2πr, और हमें निकालना कितना है, ये 60 अंश का, और टोटल ये कोण कितना बनता है, वो बनता है 360 अंश का बनता है, और 360 अंश हमें निकालना है कितना है, कुल 60 अंश का, यानी कि अगर देखें भाग कर दो, यानी 60 बटे अगर 360 करते हैं, निकालना 60 का ही है, तो काटो कितना हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी पूरी परिधि की अगर हम 1/6 निकाल ले, तो जो हमारे त्रिज्या से हम काट रहे हैं, तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसकी लंबाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो सारे जो वैल्यू दी जा रही, सारे मान यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, जैसे 1/6 यहाँ × 2, पाई का मान हो गया 22/7, और जो हमारा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी जा रही, 21, काटो 7 × 21 हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 × 2 = 6 हो गया, 2 से काटा कितना हो गया, 11 हो गया, और 1.5 × 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 22 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, चाप की लंबाई हमारी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट हो रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज देना, मैं उसका सोल्यूशन वहीं प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।